भोजपुर में शौच के लिए गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना धनगाई थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वह इस बाबत पीड़ित ने महिला थाना में सभी आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। घटना गुरुवार शाम की है। पीड़िता के मुताबिक गुरुवार शाम को वो अपने भतीजी के साथ गांव के बधार में शौच के लिए गई थी। तभी गांव के 3 युवकों चंदन, युवराज और रामजी ने उसे घेर लिया, जिन्हें देख पीड़िता की भतीजी भाग गई। फिर आरोपियों ने उसे के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने जाते जाते उससे घटना का जिक्र किसी से ना करने की कही। पीड़िता की भतीजी ने घर जाकर अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घर वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी है। तो लड़का हम लोग सोच करने गए थे ना, लड़का हम लोग को घेर लिया, घेर लिया तो उसने बोला ना, तो बोल सके तुम बोलोगी ना, तुम्हारे पीछे तो लड़की भाग गई, हमको घेर कर तुम्हारे गलत काम किया। कितने लोग था? 3 लोग थे। कहाँ के थे? गाँव के लिए। ठीक है सर। तो कौन कौन था गाँव का? गाँव क्या नाम है? युवराज और राम जी, कल का मोबाइल नंबर।